सो गाइस, अगर आप भी एक स्नैपचैट यूज़र एंड आप भी स्नैपचैट को बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर आप स्नैपचैट पर प्राइवेसी सेटिंग्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि फ्रेंड्स आप स्नैपचैट पर प्राइवेसी कैसे लगा सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने स्नैपचैट के एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। देन फ्रेंड्स इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली टैप करना है अपने जो बिटमोजी यहाँ पर आपको देखने मिलता है लेफ्ट साइड में, आपको सिंपली इसको टैप कर लेना है। देन फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर देखने मिलता है यहाँ पर राइट साइड में सेटिंग्स का, तो सिंपली आपको ऊपर की तरफ जो सेटिंग्स ऑप्शन यहाँ पर देखने मिल रहा है सिंपली आपको उसको टैप कर लेना है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर अपने पेज को नीचे की तरफ यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर लेना है। तो फ्रेंड्स आप जैसे यहाँ पर नीचे आते हैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर देखने मिलता है प्राइवेसी कंट्रोल्स का, तो फ्रेंड्स हम यहीं से यहाँ पर स्नैपचैट के जो भी इंपॉर्टेंट प्राइवेसी सेटिंग्स होगी इनका यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर देखने मिलता है कॉन्टैक्ट मी का, तो फ्रेंड्स आप जैसे इस ऑप्शन में यहाँ पर टैप करते हैं तो आपको यहाँ पर देखने मिलता है फ्रेंड्स एंड कॉन्टैक्ट्स का। तो गाइस अगर यहाँ पर आप सिर्फ फ्रेंड्स वाले ऑप्शन को टैप करके रखेंगे यहाँ पर, तो गाइस इससे हो गए कि आपके यहाँ पर स्नैपचैट पर जो भी फ्रेंड्स होंगे सिर्फ वो लोग ही आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको मैसेज कर सकते हैं, आपका अकाउंट यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर यहाँ पर आप फ्रेंड्स एंड कॉन्टैक्ट्स वाले ऑप्शन को यहाँ पर अनेबल करके यहाँ पर रखेंगे तो जो भी पर्सन आपके कॉन्टैक्ट में यहाँ पर सेव होगा जिनका भी यहाँ पर फ़ोन नंबर, वो भी यहाँ पर आपको आसानी से यहाँ पर स्नैपचैट पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपका प्रोफाइल को यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर यूज़ कर लें इस फीचर को जैसे भी आपको यहाँ पर ठीक लगे। लेकिन गाइस अगर यहाँ पर आपको अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ यहाँ पर स्नैपचैट को यूज़ करना है तो मैं आपको एडवाइस करूँ कि आप फ्रेंड्स एंड कॉन्टैक्ट्स वाले ऑप्शन को टैप करके अनेबल यहाँ पर कर ले। तो मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ। देन फ्रेंड्स हमें यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर देखने मिलता है यूज़ माई बिटमोजी एवतार का, यानी कि फ्रेंड्स आप जैसे यहाँ पर स्नैपचैट पर अपने फ्रेंड से चैट करते तो आपको यहाँ पर स्टिकर वाले सेक्शन में और अलग अलग टाइप के यहाँ पर स्टिकर्स यहाँ पर देखने मिलता है जिसमें कि फ्रेंड्स आपका फ्रेंड होता है, आपका बिटमोजी होता है, दोनों यहाँ पर अलग अलग पोज में खड़े होते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट स्टिकर्स यहाँ पर आपको देखने और मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स भी उनको यहाँ पर यूज़ कर सकें, यानी कि आपका बिटमोजी का यहाँ पर स्टिकर बने एंड आप दोनों यहाँ पर यूज़ कर सके, तो सिंपली फ्रेंड्स आपको उसको टैप करना है। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड एंड आप यहाँ पर उन स्टिकर्स को यहाँ पर यूज़ करें तो सिंपली आप माई फ्रेंड्स वाले ऑप्शन को टैप कर दें। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बिटमोजी होगा उनका यहाँ पर कोई भी स्टिकर यहाँ पर ना बने तो आप सिंपली यार ओनली मी वाले ऑप्शन को टैप करके अनेबल यहाँ पर कर सकते हैं। तो गाइस मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ। देन फ्रेंड्स हमें यहाँ पर ऑप्शन देखने मिलता है व्यू माय स्टोरी का, यानी कि फ्रेंड्स आपका स्टोरी यहाँ पर कौन देख सकता है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस ऑप्शन को यहाँ पर टैप कर दें। तो फ्रेंड्स आप जैसे यहाँ पर टैप करते तो आपको यहाँ पर देखने मिलता है वो कैन व्यू माय स्टोरी का। तो गाइस बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स ओनली करके रखा था, यानी गाइस मेरे स्नैपचैट पर जो भी फ्रेंड्स होंगे अगर मैं स्नैपचैट पर स्टोरी पोस्ट करता हूँ तो वो सभी यहाँ पर देख पाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स आप चाहें तो कस्टम वाले ऑप्शन को टैप करके यहाँ पर, तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई फ्रेंड यहाँ पर स्नैपचैट पर आपका स्टोरी को यहाँ पर ना देख पाए, फिर बहुत सारे फ्रेंड जो भी आपकी स्टोरी को यहाँ पर ना देख पाए, सिंपली गाइस आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है एंड सिंपली यहाँ पर जो ब्लॉक वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है सिंपली आप उसको यहाँ पर टैप कर, जैसे कि ऊपर भी यहाँ लिखा हुआ ब्लॉक फ्रेंड्स फ्रॉम सीइंग न्यू स्नैप्स यू ऐड टू योर स्टोरी का। तो गाइस आप जैसे हम ब्लॉक वाले ऑप्शन को यहाँ पर टैप करते हैं तो इससे बेसिकली तौर पर होगा ये कि वो पर्सन आपकी स्टोरी को यहाँ पर स्नैपचैट पर नहीं देख पाएगा, लेकिन यार वो ब्लॉक नहीं होगा, आप इस बात का ध्यान रखें, बस आपकी स्टोरी को यहाँ पर नहीं देख पाएगा। तो मैं यहाँ से बैक होता हूँ। देन फ्रेंड्स हमें यहाँ पर देखने मिलता है कमेंट सेटिंग्स का। तो गाइस अगर यहाँ पर आप स्नैपचैट पर स्पॉटलाइट वीडियोज़ को पोस्ट करते हैं तब ये सेटिंग्स आपके लिए यूज़फुल है, एंड अगर आप नहीं करते तो यार ये सेटिंग आपके लिए यूज़फुल नहीं है। तो गाइस अगर यहाँ पर आप स्पॉटलाइट वीडियोज़ को पोस्ट करते हैं तो गाइस मैं आपको एडवाइस करूँ कि आप यार मैन्युअली अप्रूव वाले ऑप्शन को टैप करके अनेबल कर ले, यानी गाइस आपके स्पॉटलाइट वीडियो में अगर कोई पर्सन कमेंट करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जैसे उस कमेंट को पढ़ेंगे एंड अप्रूव करेंगे तभी वो पब्लिकली यहाँ पर शो होगा सभी पर्सन को, बाकी आप अपने हिसाब से एडजस्ट यहाँ पर कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स हमें यहाँ पर देखने मिलता है सी मी इन क्विक ऐड का, तो मैं सिंपली इसको टैप करता हूँ। तो फ्रेंड्स ये सेटिंग्स का बेसिक तौर पर मतलब ये कि अगर आप इसको अनेबल करके रखेंगे तो आपका जो स्नैपचैट का अकाउंट होगा वो स्नैपचैट बाकी जो लोग होंगे स्नैपचैट पर उनको यहाँ पर एज अ सजेशन में आपका अकाउंट शो होगा कि वो यहाँ पर आपको ऐड कर सके। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि आपका जो यहाँ पर अकाउंट हो स्नैपचैट का वो थोड़ा प्राइवेट टाइप हो, कोई भी आपको ऐड ना करे ना ही फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करे, तो फ्रेंड्स आपको सिंपली इसको टैप करके ऑफ कर लेना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं
कि आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आए एंड आपका अकाउंट बाकी लोगों के सजेशन में भी जाए, सिंपली आप इसको टैप करके अनेबल यहाँ पर कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स हमें यहाँ पर देखने मिलता है एक्टिविटी इंडिकेटर का, तो गाइस आपको सिंपली इसको टैप कर लेना है। तो फ्रेंड्स एक्टिविटी इंडिकेटर का मीनिंग ये कि अगर आप इसको अनेबल करके रखेंगे तो जो आपका प्रोफाइल होगा उसमें यहाँ पर आपके बिटमोजी के नीचे एक ग्रीन डॉट यहाँ पर देखने मिलेगा, जिससे कि आपके फ्रेंड्स एंड बाकी जो भी स्नैपचैट पर पर्सन होंगे उनको पता लग जाएगा कि आप स्नैपचैट पर रिसेंटली एक्टिव थे, यानी कि आप लास्ट 24 आवर में या फिर जो भी पर्टिकुलर टाइम होता है यार स्नैपचैट के अकॉर्डिंग आप स्नैपचैट पर ऑनलाइन आए थे। लेकिन यार अगर आप इस ऑप्शन को अनेबल ऑफ कर देते हैं यहाँ पर तो किसी को भी पता नहीं लगेगा कि आप स्नैपचैट पर ऑनलाइन आते भी हो या फिर नहीं आते हो। तो गाइस हमें यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर देखने मिलता है सी माई लोकेशन का। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि स्नैपचैट पर आपके जो भी फ्रेंड्स यहाँ पर है वो आपकी लोकेशन यहाँ पर देख पाएँ, तो सिंपली फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का सेटिंग यहाँ पर आपके अकाउंट में बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि पहले से यहाँ पर देखने मिलेगा, तो आप इसको ऐसे ही रहने दें। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि स्नैपचैट पर आपका कोई भी फ्रेंड हो यहाँ पर वो आपकी लोकेशन को ना देख पाए, तो सिंपली फ्रेंड्स आपको घोस्ट मोड वाले ऑप्शन को टैप करके अनेबल यहाँ पर कर लेना है। एंड आपको यहाँ पर जितनी देर के लिए आप सेटिंग यहाँ पर रखना है आप कर सकते हैं, लेकिन यार अगर आपको परमानेंटली यहाँ पर करना है कि कोई भी पर्सन आपका लोकेशन ना देख पाए तो लास्ट वाले अनटिल टर्न ऑफ वाले ऑप्शन को टैप करके अनेबल यहाँ पर कर लें। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर यहाँ पर आप किसी भी एक पर्टिकुलर फ्रेंड को अपना लोकेशन यहाँ पर शेयर करना चाहते हैं तो आप नीचे जाके शेयर यहाँ पर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्नैपचैट पर प्राइवेसी से रिलेटेड कुछ यही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स था। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर कोई भी क्वेश्चन या फिर डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट्स जरूर पूछें, एंड ऐसी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को अपने सभी स्नैपचैट के फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें।